बिग बॉस 13 में घर वालों ने एक बार फिर एक और टास्क रद्द करवा दिया। यह टास्क कैप्टेंसी का था। इस टास्क में सभी घर वाले दावेदार थे, लेकिन हर बार की तरह कंटेस्टेंट की आपसी सहमति नहीं बनी और टास्क रद्द हो गया। खास बात है कि टास्क रद्द करवाने वाले 3 सदस्यों को बिग बॉस ने ऐसा दंड दिया जिसे सुनकर शहनाज कौर गिल खुश हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने तीनों को बधाई भी दी। सभी कंटेस्टेंट को अपने गले में एक दूसरे की तस्वीर को टांगना था। किसके गले में किसकी तस्वीर होगी, यह खुद बिग बॉस ने बताया। टास्क के अनुसार जो भी सदस्य अपने पास मौजूद जिस कंटेस्टेंट को इस बार घर का कप्तान नहीं बनाना चाहता है, उसकी तस्वीर को गले से निकालकर आग में जला देगा। ऐसे में सिद्धार्थ विशाल की, मधुरिमा माहिरा की, रश्मि सिद्धार्थ की और विशाल आरती की तस्वीर को आग में जला देते हैं। आखिरी में 3 सदस्य बचते हैं जिनमें कौन पहले जाएगा, इसको लेकर बहस होती है। ये सदस्य माहिरा, पारस और आसिम रियाज हैं। माहिरा के गले में पारस की तस्वीर, पारस के गले में आसिम की तस्वीर और आसिम के गले में रश्मि देसाई की तस्वीर होती है। पारस आसिम से कहते हैं कि वह रश्मि की तस्वीर को जला दें, लेकिन आसिम बोलते हैं कि वह रश्मि को घर का कप्तान बनाना चाहते हैं। वहीं माहिरा भी पारस की तस्वीर को जलाने से मना कर देती हैं। ऐसे में पारस, आसिम और माहिरा अपने गले में टंगी तस्वीर को जलाते नहीं हैं। इन तीनों का ऐसा करना बिग बॉस को पसंद नहीं आता है और इन तीनों को दंड देने की घोषणा करते हैं। बिग बॉस कहते हैं, आप लोगों ने हमेशा की तरह टास्क को रद्द कराने की कोशिश की, ना कि टास्क को बढ़ाने की। इसलिए बिग बॉस दोषी 3 सदस्य माहिरा, पारस और आसिम को दंड देते हैं। जब तक घर का नया कैप्टन नहीं बनता, तब तक आप तीनों को घर का सारे काम करने होंगे। आप तीनों की कोई और मदद भी नहीं करेगा। बिग बॉस का यह फैसला सुनकर शहनाज बहुत खुश हो जाती हैं। वो तुरंत कहती हैं कि आप तीनों को बधाई हो, बहुत रद्द करवाना था, अब आएगा मजा। शहनाज की यह बात सुनकर पारस का मुंह बन जाता है। खास बात है कि 8 जनवरी के एपिसोड में पारस और माहिरा झगड़ा करते हुए दिखे। वहीं शहनाज ने सिद्धार्थ को मना लिया।